हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, भेड़ाघाट बहुविकल्पी, भेड़ाघाट की पहाड़ी में कौन सा मंदिर है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं तो देख के बताना है। तानसेन के गुरु का नाम क्या था, बताना है तानसेन के गुरु का नाम क्या था। अगला क्वेश्चन, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, हृदय भराना मुहावरे का अर्थ क्या है। रिक्त स्थान दिए गए हमारे पास, ये रिक्त स्थान पांचों देख लेंगे। आगे अतुल्य लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कर रहा है, मुफ्त खोरों के सरताज किसे कहते हैं, दूधधारा किसे कहते हैं। ये तीन क्वेश्चन हमारे पास और दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है और दूसरे में विलोम शब्द लिखना है, संधि विच्छेद और संधि का प्रकार लिखना है इसमें। तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे, का और खा देख दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन, नीचे दिए वाक्यांश लिखिए और उपयुक्त शब्द लिखिए, अपनी पाठ्यपुस्तक में दी गई कविता की 6 लाइन लिखना है, प्राणायाम का क्या अर्थ है, प्राणायाम का लाभ बताना है। ये पांचवा क्वेश्चन दिया गया है हमारा, देख लेंगे सप्रसंग इन प्रश्नों के उत्तर बताना है। छठ दूसरे वाले क्वेश्चन में गद्यांश को अच्छे से देख लेंगे। इसी तरह इसके अथवा में भी दिया गया है, एक गद्यांश है, इसके उत्तर बताने हैं हमें। अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है, प्रार्थना पत्र लिखना है और अथवा में अपने पिता को पत्र लिखना है अपनी पढ़ाई की जानकारी देने के लिए। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, विज्ञान के चमत्कार, कंप्यूटर, महापुरुष की जीवनी और दीपावली में से किसी एक विषय पर, और अथवा में एक का सारांश लिखना है।